कंगना रनौत की फिल्म एक के बाद एक नई मुश्किलों में फंसती जा रही है। फिल्म अभी पूरी तरह से शूट भी नहीं हुई और विरोध पहले से शुरू होने लगा। ब्राह्मण समाज की तरफ से फिल्म का विरोध अभी से शुरू हो गया है। अब खबर है कि फिल्म का काम बाकी होने के कारण फिल्म 3 अगस्त के लिए टाल दी गई थी। आपको झटका लग सकता है ये जानकर कि मणिकर्णिका फिल्म अगस्त महीने में भी रिलीज नहीं हो रही है। मेकर्स का कहना है कि आने वाले दिनों में वे बताएंगे कि फिल्म किस दिन रिलीज की जाएगी। दरअसल फिल्म में VFX का इस्तेमाल एक बड़े लेवल पर किया गया है, जिसका अभी बहुत सा काम बचा हुआ है। जल्द ही फिल्म की शूटिंग राजस्थान बीकानेर में शुरू होनी है और महीने के अंत तक खत्म कर दी जाएगी। फिल्म में कंगना रानी लक्ष्मीबाई का किरदार निभा रही है। इसके अलावा अतुल कुलकर्णी तात्या टोपे, सोनू सूद सदाशिव और अंकित लोखंडे झलकारी बाई की भूमिका निभा रही है। ये फिल्म अंग्रेजों और झांसी की रानी के बीच हुई लड़ाई पर आधारित है, तो फिल्म के मेकर्स लोगों की भावनाओं को इसके जरिए भुनाना चाहते हैं। गौरतलब है कि साल 2017 कंगना के लिए बढ़िया नहीं रहा। ऐसे में इस फिल्म से अभिनेत्री को बहुत सी उम्मीदें हैं। पद्मावत की तरह मणिकर्णिका फिल्म का विरोध भी किया जा रहा है। सर्व ब्राह्मण महासभा का कहना है कि फिल्म में रानी लक्ष्मीबाई की किरदार को सही तरीके से पेश नहीं किया जा रहा। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।